नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर कानपुर से। थाना बिधनू क्षेत्र के न्यू आजाद नगर सैनिक चौराहे के पास एक ब्लॉक प्रमुख का आवास है। सूत्रों के मुताबिक सुबह 5 बजे क्राइम ब्रांच की टीम बताकर घर के अंदर एक फर्जी सीओ, एक उप निरीक्षक और 3 सिपाही घुसे। फर्जी टीम ने घर की तलाशी लेना शुरू करने के साथ ब्लॉक प्रमुख के परिवार पर जांच के नाम पर दबाव बनाना शुरू किया। संपत्ति का ब्यौरा मांगने पर ब्लॉक प्रमुख दहशत में आ गए, जिस पर फर्जी टीम ने 5 लाख रुपए की मांग कर दी। इस बीच ब्लॉक प्रमुख के सुरक्षा गार्ड को टीम के फर्जी होने का शक हुआ, जिस पर उसने कंट्रोल रूम पर पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद बिधनू न्यू आजाद नगर चौकी प्रभारी मुकेश वाजपेयी फोर्स संग मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देख फर्जी क्राइम ब्रांच की टीम के हवा उड़ गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर चौकी पहुंचाया। तलाशी में एक आरोपी के पास सीओ, एक उप निरीक्षक और 3 सिपाहियों के फर्जी आई कार्ड मिले। पुलिस सभी आरोपितों से पूछताछ में जुटी है। थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ कर जांच की जा रही है, जांच के बाद घटना की जानकारी दी जाएगी। कानपुर से रापेंद्र यादव की खास रिपोर्ट। दिखवाएंगे आपको बिल्कुल। अब तो बड़ा काम हो गया, खुलवा के देख लीजिए, बैग में कुछ हो सकता है। अब बड़ा काम हो गया, पहले हाँ एक बार बैग खुलवा दो, बैग में कुछ हो सकता है। इतने ATM रखे हैं, बताओ 6-7 ATM रखे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।